आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं एमपी व्यापम डीएचईटी रिजल्ट 2019 के बारे में। जिन सभी कैंडिडेट ने इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था और इसका रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, वो सभी कैंडिडेट इसके रिजल्ट से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और करंट अपडेट्स को जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एमपी व्यापम डीएचईटी रिजल्ट 2019 रिलीज करने जा रही है। जिन सभी कैंडिडेट ने इसकी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था और इसका रिटर्न एग्ज़ाम सक्सेसफुली अटैम्प्ट किया था, वो सभी कैंडिडेट के रिजल्ट से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड करंट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के साथ लगातार टच में बने रहें। हम इससे जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट के जरिए प्रोवाइड कराएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो इसकी एग्जामिनेशन की डेट है, वो 12 जून है। ऑल इजेंटल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड होने हैं, आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th हाई स्कूल, मार्कशीट ऑफ 12th इंटरमीडिएट हाई स्कूल एंड आपका मार्कशीट होनी चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन SC ST OBC सर्टिफिकेट। वे टू अप्लाई फॉर द एमपी व्यापम डीएचईटी रिजल्ट 2019। इसके रिजल्ट में अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in पे चेक कर सकते हैं। होम पेज पे दिए गए नोटिफिकेशन एमपी व्यापम डीएचईटी रिजल्ट 2019 नोटिफिकेशन के लिंक में जाके आप इसके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एंड हमने अपनी वेबसाइट के जरिए भी ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कराए हैं, जिस लिंक में जाके आप इसके रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।